अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों अभी मैं कबूतर वगैरह बंद करने लगा हूँ, फैसल उस्ताद भी नहीं है कि छत पे और काफी ज्यादा धूप भी हो रही है, तो अभी मैं कबूतर बंद करने लगा हूँ। और आज काफी दिन बाद मैं भोलू को उड़ाने के लिए लेके जाने लगा हूँ, तो इस चैनल पे नहीं, आज भोलू की शॉर्ट्स डालेंगे भोलू के चैनल पे। कल मैंने दो शॉर्ट्स अपलोड की थी, बाकी वीडियोस तो है नहीं भोलू की, तो आज बनाने के लिए वीडियो बनाने के लिए जाएंगे भोलू को लेके और उसको वहां पर उड़ाएंगे पीछे नदी में। अभी सारे कबूतर बंद कर देता हूँ जल्दी से और भोलू को लेके जाते हैं। धूप भी काफी हो रही है, आज हवा भी काफी तेज चल रही है, तो देखते हैं क्या करता है। ओए ओए दोस्तों चेक करें, कबूतर आके उतर गया खुद ही खुद ही, भोलू को बस लेके ही जा ही रहा था मैं, खुद ही आके उतर गया। अब मैं क्या करूँ मुझे बताएं आप दोस्त, मैं कबूतर खोलने जाऊंगा ये उड़ नहीं जाए। बस भोलू जाओ, भोलू चला गया जाल। ओ शिट यार, ये तो वापसी आ गया, पीछे जाके बैठ रहा है। मैं नीचे जाता हूँ, कबूतर खोलता हूँ, इसको पकड़ेंगे, मजा आएगा। कबूतर आके खुद ही उतर गया, देखें ताला भी हो हुआ है। ओ शिट निकला, ओ यार ये तो चला गया। हाँ शिट भोलू साथ चला गया वो तो। हाँ भोलू ले गया उसको, देखें। भोलू के साथ चला गया, देखें यार क्या हो गया, वो लेके जा रहा भोलू उसको। शिट हो गया, भोलू उसके पीछे पीछे जा रहा पागल। अबे वो तो भोलू को ही ले गया इतना दूर। इधर गया भोलू भी गया, वो भी गया। अच्छा वाला छत पे उतर गया था वो तो, पता नहीं किधर उड़ गया। तो कोयल है, भोलू कहाँ गया? भोलू को भी ले गया वो तो, आगे आगे उड़ रहा है भोलू बहुत। कैमरा बंद करता हूँ। सारे कबूतर उड़ा दिए मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ पूरे आसमान पे चलेगा इतने सारे कबूतर ना। भोलू अभी मेरा जाके नदी की साइड पे उड़ रहा है, वो उसके साथ बहुत दूर चला गया था मेरे को तो एकदम, मतलब वहां जाके भोलू भी घूम रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ भोलू किधर उड़ रहा है, बाकी अपने कबूतर दिखाता हूँ। ये उड़ रहे अपने कबूतर कुछ ये रहे, और वो देखें वो ऊपर भी चले गए हैं। और भोलू ये आ रहा, ये आ रहा भोलू, ये चेक करें, ये आया। आ इधर आ, इधर इधर इधर, सीधा हाथ पे, सीधा हाथ पे आया। चेक करें, वो कबूतर तो चला गया, खैर हो गई, अपना भोलू वापसी आ गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कबूतर मैंने कबूतर बस बन के थे, मैं भोलू को लेके जा रहा था, मैंने सोचा था आज वीडियोस वगैरह बनाऊंगा भोलू की, मैं बस जाने ही लगा और वो कबूतर आके नीचे उतरा। अब भोलू डर के मारे जो है उड़ गया था, वो भी भोलू के साथ साथ ही फिर उड़ गया। मैं कबूतर खोलने लगा था बस, लेकिन वो पता नहीं कैसे उड़ गया। अब देखें इतने सारे कबूतर मैंने अपने उड़ा दिए, और आज चीलों के भी इतने झुंड लगे हुए हैं ना, सुबह से चीलें घूम रही हैं यहीं पर ही, अब पता नहीं उनमें कोई शिकरा विकरा ना हो। काफी सारे कबूतर ऊपर चले गए, इनको उतार लेते हैं पहले जल्दी से, भोलू को बंद कर देता हूँ। वो कबूतर मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे बिल्डिंग पे बैठा हुआ है, वो गिरे वाली बिल्डिंग पे, ये मेरी उंगली का इशारा जिस बिल्डिंग पर है, वो पीछे गिरे वाली बिल्डिंग में बैठा हुआ है। भोलू भी वहीं वहीं पे घूम रहा था, इतना वहां पे उसने चक्कर मारे उतरने लग रहा था ना नीचे वाली साइड पे, तो मैंने बस जल्दी जल्दी डंडा मारा और अपने काफी सारे कबूतर जो है यहाँ से उड़े। तो फिर भोलू आ गया, आया काफी, तो फिर वो उस साइड पे चला गया और अपने पास वापसी आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ कबूतर, ये देखें अभी उड़ रहे हैं, ये यहीं यहीं पे उड़ रहे हैं, और वो चार देखें कितना ऊपर लग गए, चार किधर गए, वो जा रहे, ये चेक करें, तीन तो ये रहे और एक इनके पीछे पीछे ही घूम रहे, वो रहा चौथा भी ऊपर ही है। ये चार देखें अभी अभी उड़ाया कितना ऊपर ऊपर लग गए, आज हवा भी तेज चल रही है काफी, तो देखते हैं सारे को उतारने हैं अभी वापसी से। ऐसी उड़ा देते मैंने भोलू के लिए, वो कबूतर वहां से मेरे ख्याल में फिर उड़ गया शायद, बहुत तेज कबूतर था यार, इतना तेज कबूतर है कि मैं बस गेट खोलने गया, उसने भोलू को भी ले गया, खुद भी चला गया वो तो, शुक्र है भोलू वापसी आ गया। बादल चेक करें कैसा बादल हो रहा है, इसका बीच में से पूरा अलग से ही पड़ा हुआ है बादल, और देखें काला बादल है, इसी के पीछे ही सूरज छुपा हुआ है। अच्छी बात है इसने सूरज को छुपाया हुआ है, धूप नहीं हो रही ज्यादा, ना धूप होती तो फिर बहुत गर्मी टाइप सी हो जाती। कबूतर अपने आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं, कुछ कुछ जो है कम उड़ने वाले, जिनको भी ट्रेनिंग नहीं हुई भी सही, उड़ने वाले तो हैं सारे अच्छे उड़ने वाले, लेकिन बस हम लोग उड़ाते ही नहीं है, इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई भी, इसीलिए ये लोग बहुत जल्दी उतर जाते हैं। तो अभी इनको उतार लेता हूँ मैं। चीलों का झुंड देखें यार ऊपर अगर नजर आ रहा हो ना, ये चेक करें, इतनी चीलें आसमान में और कबूतर भी ऊपर गए हुए, अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही है कि आज कोई ना कोई अच्छा कबूतर तो वापसी नहीं आएगा, पता नहीं क्यों ये चीलों ने झुंड बनाया हुआ है, अल्लाह जाने। कबूतर अपने आसमान मन लग गए, क्योंकि जैसे मैंने उड़ाए थे ना डंडा मारा, आज हवा भी काफी तेज है, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आ रही होगी, उससे मैं बचा रहा हूँ थोड़ा। इतनी चीलें ऊपर आसमान पे आई हुई सुबह से, और कबूतर अपने सारे आसमान बंद ही हो गए, यहाँ यहाँ पे देखें सारे कोई भी नहीं उड़ रहा,
तो यहाँ पे उड़ रहे हैं, बाकी के सारे ऊपर जा चुके हैं। वो ऊपर ऊपर मुझे नजर आया बहुत ऊपर में, बाकी दो आगे वाली साइड में भी उड़ रहे हैं। तब देखो कितने पूरे आते हैं वापसी से। पांच कबूतर देखे नीचे आए हैं, तीन ये उड़ रहे और दो ये यहीं पे ही घूम रहे। अब काफी देर हो गई, कब से इंतजार कर रहा हूँ, बोलूंगा मैंने बंद कर दिया। पांच तो नीचे आ गए कबूतर बंद करके, मैंने गिने थे कबूतर, दो कबूतर गायब हो रहे हैं। अब पता नहीं वो दो में से एक का तो मुझे पता है कौन सा है, दाना डाल देता हूँ। एक का तो मुझे पता है कौन सा है, दूसरे का मुझे पता ही नहीं है कौन सा कबूतर उड़ रहा है। तो इन पांच को पहले उतार लेता हूँ, ये देखें यहीं पर ही घूम रहे कब से। तो मैंने अभी दोबारा से कबूतर खोले, मैंने गिनने के लिए बंद किए थे, अभी दोबारा से खोले ताकि ये लोग नीचे उतर जाएं। वापसी ऊपर हो रहे हैं, ये लोग नीचे आते हैं चीले भी नीचे आ जाती हैं, ये लोग ऊपर जाते हैं चीले भी ऊपर चली जाती हैं। पता नहीं क्या सीन चल रहा है। अब दो कबूतर गायब हो रहे हैं, देखते हैं वो कब तक आते हैं, क्या सीन है, कौन कौन से कबूतर है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ऊपर तो बिल्कुल आसमान तो बिल्कुल साफ हो गया, कोई कबूतर नजर भी नहीं आ रहा, न चीले थोड़ी बहुत उड़ रही हैं, अपने ये पांच उड़ रहे हैं। देखें बस जो पांच कबूतर उड़ रहे थे उनमें से एक तो आगे ये जो जंगली बैठा हुआ ये उड़ रहा था, एक हमारा अपना कबूतर है ये। बाकी के जो बाकी के पांच में थे जो चार थे वो मैं आपको दिखाता हूँ गायब हो गए, वो सारे वापसी आसमान पे चले गए। अब देखे चीले यहाँ पे फिर आई हुई है, इस साइड पे उड़ रही है चीले, पता नहीं नजर आ रही है नहीं आ रही। और वो सारे कबूतर जो बाकी के चार थे ये बराबर वाले भाई ने भी खोल दिया, इसको मैं वापसी नीचे भेजता हूँ। ये कबूतर जा नीचे गया। तो वो कबूतर जो अपने चार हैं वो पता नहीं किधर शार्ट हुए हैं, वो वापसी से ऊपर चले गए, चीलों के बीच बीच में ही घुस रहे हैं वो भी कब से। अब अपने वाले बाकी के सारे अंदर घुसे हैं, इनको भी बाहर निकालता हूँ ताकि वो लोग नीचे आए। एक तो आ गया अभी समझ लें, छह कबूतर अभी भी उड़ रहे, एक ये जा रहा। अब इसमें पता नहीं कैमरे में नजर आएगा नहीं आएगा। दोस्तों गुड न्यूज हो गई, काफी देर से इंतजार करते हैं, अभी आसमान से दो कबूतर नीचे आए जो दो गायब हो रहे थे, बाकी तो सारे नजर आ रहे थे लेकिन दो कबूतर जो है गायब गायब से चले थे। अभी तकरीबन एक डेढ़ घंटा हो गया, एक डेढ़ घंटे बाद वो नजर आना शुरू हुए, अभी नीचे आए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत खुशी हो रही है मेरे को तो वो नीचे नजर आ गए, क्योंकि इतनी ज्यादा चीले आई हुई है, कब से कबूतर नीचे आते हैं चीले भी नीचे आ जाती है। तो चीलों में पता नहीं इस तरह की चीजें होती हैं जो कि कबूतरों का शिकार भी कर लेती हैं, तो इस वजह से मुझे टेंशन होती है। लेकिन वो दो कबूतर भी अभी नजरों में आ गए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी काफी देर बाद वीडियो बना रहा हूँ, मैंने आपको बोला था आसमान पे दिखाता हूँ नीचे आए, तो नजर नहीं आते, लेकिन अब देखें दो कबूतर आगे उतर गए। एक ये तो नहीं दिख रही थी पहले, और वो जो कबूतरी थी ये गायब थी, जो मुझे पता ही नहीं था कि ये भी उड़ रही है, ये वही कबूतरी है। ये दोनों वही कबूतर हैं जो उस दिन रात में उतरे थे यहाँ पे। तो पीछे वाली जो कबूतरी है वो गायब हुई हुई थी आसमान में, बिल्कुल समझ में नहीं आता कौन सा कबूतर उड़ रहा है। शुक्र है आगे अभी भी तीन कबूतर उड़ रहे हैं, देखें एक ये उड़ रहा है यहाँ पे घूम रहा है, अभी ये कब से उड़ रहा है, नीचे आता है वापसी ऊपर चला जाता है, नीचे आता है वापसी ऊपर चला जाता है। और भी जो एक कबूतर उड़ रहा है वो भी अभी यहीं घूम रहा है, वो भी आ जाएगा, वो अभी आसमान पर ही है और बहुत ज़्यादा ऊपर है, नज़र भी नहीं आ रहा अभी कैमरे में। तो देखते हैं वो भी नीचे उतरेगा तो फिर उसको भी दिखाऊंगा मैं आपको कौन सा कबूतर है। ये तो आ रहा है, देखें ये नीचे आ रहा है। फाइनली जो कबूतरी गायब हो रही थी वो भी आ गई, बस अब एक ही कबूतर रह गया, वो तो यहीं पे उड़ रहा है कब से, अब किधर चला गया, ये रहा ये उड़ रहा, इसी तो कोई टेंशन ही नहीं। अब ये कब से यहीं उड़ रहा है नीचे नीचे में, ये वाला कबूतर गायब हुआ था, वो देखे पानी पीने भी चला गया फौरन से, अभी नहीं पियो पानी, अभी नहीं पीने दूंगा इसको पानी वरना खराब हो जाएगा कबूतर। तो ये कबूतरी गायब थी, इसने टेंशन लगाई हुई थी, ये बिल्कुल आसमान पे गायब थी, अभी तक नजर भी नहीं आती, अभी एकदम से आके जाल पे उतर गई, तो बस ये रह गई। और एक जो उड़ रहा है वो भी बस उतरने ही लगा है, अभी दाना मारेंगे तो उतर जाए शायद, वो जा रहा पीछे। तो बस सारे कबूतर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो रहे हैं। तो दोस्तों बस आखिरी कबूतर रह गया, वो भी बस उतरने ही लगेगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे कबूतर बाकी के पूरे हो गए। मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी क्योंकि काफी ज्यादा चीले घूम रही थी आसमान में ना, तो मुझे बस यही लगा था कि आज कोई कबूतर गायब ना हो जाए, अगर किसी और के पास चले जाए टेंशन नहीं होती, लेकिन चीले या बास वास कोई पकड़ लेता है ना तो अजीब सी फीलिंग होती है दिमाग में कि यार वो खा गए उसको, मतलब कबूतर को ना खा गए, अब नहीं आता कभी भी, अगर कोई पकड़ ले वो भाई खोले वो फिर आने के चांसेस होते हैं। जैसे कल हमारी अरमान भाई को हमने जो कबूतरी गिफ्ट दी थी वो वापसी आ गई थी हमारे पास। तो आज की वीडियो को यहीं भी एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।